हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शीतल हियर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस क्विक एंड इजी डीआईवाई वॉल डेकोर आइडिया यूजिंग जस्ट पेपर प्लेट एंड अंडर 30 रुपीज़। या गाइज, मैंने एक वॉल डेकोर डीआईवाई प्लेट से बनाया है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अंडर 30 रुपीज़ में कम्प्लीट किया है। So if you like this video, please don't forget like, comment and subscribe my channel. Without any wasting a time, let's get start the video. So guys, first I've got these paper plates, some different size and some colors. Domes ke colors liye the and maine kuch brush use kiye hain. Sabke link aapko description mein mil jayenge. सो गाइस, मैंने एक पेपर प्लेट पे अपनी डिज़ाइन ड्रॉ कर ली थी। आप मन चाहें वैसे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं पोस्टर कलर यूज़ करूँगी डोम्स के, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक ब्रश यूज़ करूँगी जो कि मेरी जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से परफेक्टली है। मैंने सबसे पहले लेमन येलो कलर शेड चूज़ किया है। देन आई पेंट दिस प्लेट। अगर आपकी डिज़ाइंस छोटी है तो आप छोटा ब्रश यूज़ कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं सो आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। सो माई कंप्लीट फर्स्ट येलो कलर। देन नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्लू कलर। ये रॉयल ब्लू नहीं है। सो अगर आपका ब्रश पूरी तरीके से सूखा नहीं है देन आप इसे यूज़ ना कीजिए, क्योंकि वो फिर प्लेट पे स्टे नहीं करता है कलर। देन नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज कलर। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था लगने के बाद में। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्लू कलर। मैंने इसमें रॉयल ब्लू पिक किया था जो कि मैंने इसे पेंट किया है। देन लास्ट आई एम यूजिंग सम गोल्डन कलर। ये प्योर गोल्डन कलर नहीं था बट हाँ, उसी शेड से कुछ मिलता जुलता कलर था। सो मैंने इसे यूज़ किया है। एक्चुअली मुझे इस कलर्स के दो शेड देने पड़े, उसके बाद मैंने इस पर कुछ डेकोरेशन के लिए पेंट जो ब्रश होता है उसके जो बैक साइड का जो पोर्शन होता है उसमें मैं वाइट कलर को डैप करके उसे यूज़ कर रही हूँ और एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा मैंने किया है आप भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या आप मन चाहे वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। आई हैव डन माय फर्स्ट डिज़ाइन बट मुझे कुछ खाली खाली पोर्शन लग रहा था। सो मैंने गोल्डन वाले पार्ट्स में भी वही डॉट्स ड्रॉ किए थे, जो कि बहुत ही क्विक एंड ईजी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है यूज़ करने में। आप इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं। सो आई हैव कम्प्लीट माई फर्स्ट प्लेट। यू कैन सी ये बहुत प्यारी लग रही थी। सो गाइज, मूविंग टू नेक्स्ट डी आई वाई। आई एम यूजिंग पेपर प्लेट एंड मैंने इस पर भी पहले से ही डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। सो पेंट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि वे एक बार पेंट करने के बाद आप डिज़ाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मैंने इसमें फर्स्ट वाइट कलर यूज़ किया था, देन मैंने येलो कलर यूज़ किया है, थर्ड मैंने इसमें ऑरेंज शेड दिया था, ऑरेंज कलर यूज़ किया था। सो आप मन चाहे अपने अकॉर्डिंग कलर शेड चूज़ कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मैंने इसमें रेड कलर यूज़ किया था। सो रेड कलर इसीलिए मैंने लास्ट में यूज़ किया बिकॉज़ वो थोड़ा सा डार्क कलर था और बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन सी वो पूरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने बुद्धा की जो कटआउट्स थे वो पहले ही मैंने एक वीडियो में यूज़ किया था, सो मैंने अभी भी यूज़ किया है। सो अगर आपने वो मेरा बॉटल आर्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। वही डिज़ाइन में बहुत प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लैक कलर उसे पेंट करने के लिए। ब्लैक कलर को थोड़ा सा ध्यान से पेंट करना है और उसके एजेस तो बहुत ही
ध्यान से आपको पूरी तरीके से पेंट करना पड़ेगा। पहले आप उसकी आउटलाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। आई एम कम्प्लीटली पेंट दिस बुद्धाज डिज़ाइन। सो मैंने जैसा फर्स्ट DIY में किया था उसी तरीके से मैं वाइट कलर इसमें भी डॉट्स बना के इसे भी डेकोरेट करूँगी, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और अच्छा लगता है। वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो किसी भी कलर के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, जो किसी भी डिज़ाइन को एनहेंस करने में बहुत हेल्प करता है। सो आई एम यूजिंग वाइट कलर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद में। सो आई हैव कम्प्लीट माई सेकेंड प्लेट DIY प्लेट। सो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। सो मूव ऑन दिस माई थर्ड एंड लास्ट DIY। इस DIY में मैंने बहुत ही अच्छे कलर्स यूज़ किए हैं। इसमें मैंने फर्स्ट येलो कलर से एक पूरे सर्कल को अच्छे से पेंट किया है, जो कि येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा था यूज़ करने के बाद। सो इसका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आया था। जो कलर्स मैं इसमें यूज़ करूँगी बाद में वो भी सारे अच्छे लगेंगे इस कलर्स के ऊपर। यूजिंग दिस ब्लू कलर, मैंने इसमें पहले से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया था, सो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। सो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुली पूरा पेंट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी डिज़ाइंस थी। सो मैंने बहुत इसे थोड़ा ध्यान रख के पेंट किया था। देन आई एम यूजिंग नेक्स्ट रेड कलर, बिकॉज ब्लू रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत ही ऑसम लगता है। आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर मैंने इसमें यूज़ किया था। सो मैंने तो उसमें एक ही कोट दिया था, बट अगर आप दो कोट देंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सो अब टोटली अप टू यू कि आप एक कोट देना चाहते हैं या दो। एलिफेंट का डिज़ाइन मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी थी, तो आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसे पेपर से कट करके आप उस प्लेट पे बना लीजिए। वो भी थोड़ा नीटली होना चाहिए। देन आई एम यूजिंग ब्लैक एंड सम कलर्स। सो मैंने इसे पेंट बहुत ही ध्यान से किया था, बिकॉज ये बहुत इसके एजेस बहुत शार्प थे। सो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ा इसको पेंट करने में, बट ये पेंट होने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। अगर आप इसका पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट पूरा इसका ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। देन मेरी तीनों प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी थी। सो दिस इज़ अ फाइनल लुक्स मेरी तीनों प्लेट्स का।
जो कि बहुत सिंपल एंड पूरी ट्रेडिशनल लग रही थी। जिसे मैंने यूज़ किया तो उस वॉल की बिल्कुल अलग ही लुक था। मैंने इसमें रिवर्सिबल टेप यूज़ की थी और मैंने इसे जब अपने आप किसी भी अकॉर्डिंग अपने यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स, इट्स टोटली अप टू यू। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।